हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन पर आप किस तरीके से सॉफ्ट ड्यूई मेकअप कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्रोडक्ट के साथ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिक्वेस्टेड वीडियो तो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं इंडस वैली का जेल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। तो गर्मियों के टाइम पे ये मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फेस को बिल्कुल स्टिकी नहीं बनाता। सेकंड स्टेप पे डे टाइम का मेकअप है, तो यहाँ पर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ मैं रिकेल की सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। लगाते के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिकी नहीं है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती। यहाँ मैं फेस पर कलर करेक्शन के लिए एले गर्ल का हनी शेड यूज कर रही हूँ। ये शेड जो है काफी ज्यादा डार्क है, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज शेड लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। ये काफी अच्छी तरीके से डार्क सर्कल को हाइड कर देता है। यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का अल्ट्रा फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इस फाउंडेशन को ड्राई स्किन के वाले यूज कर सकते हैं, वैसे सारे स्किन वाले यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता। इसमें मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया है ड्यूई फिनिश के लिए। जब भी आपको एक नेचुरल फिनिश चाहिए होती है, तो फाउंडेशन को हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करें। उसके बाद मैंने मेबलिन का कंसीलर यूज किया है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं येलो टोन में कंसीलर है, तो मेरे फेस को बहुत अच्छी तरीके से ब्राइट करेगा। राखी के लिए ये मेकअप लुक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल और सटल मेकअप है और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का सा इसको ब्लेंड कर लिया है। देख सकते हैं फेस काफी ज्यादा इवन लग रहा है। कभी भी मैं अपने फेस का टोन जो है एकदम से चेंज नहीं करती हूँ। यहाँ मैं लिक्विड ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड ब्लशर में भी मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया है। रिकॉर्ड का ये ब्लशर था, और उसको मैंने इस तरीके से चीक पे लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इवनली ब्लेंड कर लिया। यहाँ मैं के ब्यूटी का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे बेस को सेट करने के लिए। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, ये ऑल स्किन टाइप पर सूट करते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बनाना पाउडर स्पेशली आपकी स्किन को ब्राइट करके दिखाता है। यहाँ मैंने PAC का माइक्रोफाइबर मेकअप फिक्सर यूज किया है, जो मेरी सारे फेस पर लगाई हुई चीजों को सेट कर देगा। और यहाँ मैंने ब्राउन कलर का ही ब्लशर यूज किया है। अगर आपके आईब्रो फिलर थोड़ी देर बाद फेड हो जाते हैं, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल फेड नहीं होता, ये स्टिक हो जाता है आपके आईब्रोज पर। जब तक आप इसे रिमूव नहीं करोगे माइसिलर वाटर से, ये नहीं हटेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आई मैजिक की आई शेडो पैलेट से एक ब्राउन कलर का जो ब्रॉन्जर है उसे यूज़ किया है। उसे एज अ मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया। ओनली फिंगर्स का यूज़ किया है, यहाँ पर कुछ भी मैंने ब्रशेस यूज़ नहीं किए। स्टिल देखिए आई मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइनर के लिए मैंने मास्क का लिक्विड लाइनर यूज़ किया है। बहुत पतला पतला सा मैंने अपनी लैश लाइन से मिलाते हुए ही लाइनर अप्लाई किया है। तो बहुत सॉफ्ट सा मेकअप, क्योंकि ये डे टाइम का मेकअप है, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने मेबलिन का ही मस्कारा यूज़ किया है और फॉल्सेस का यूज़ अवॉइड किया। और उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पर काजल का यूज़ किया है। यहाँ मैंने जो है लैक्मे का काजल अप्लाई किया और हल्का हल्का सा उसे स्मच कर लिया। यहाँ मैंने फे ब्यूटी का लिप विप यूज़ किया है। इतना अच्छा, मतलब इसको तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं, थोड़े डार्क लिप्स हैं, तब भी वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी पिगमेंटेशन देता है। अगेन मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया और उसे अपने फेस को हाइलाइट कर लिया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस हाइलाइटर का मैंने कितने बार यूज़ किया। इज द फाइनल लुक। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय।